हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि न्यू जनरेशन क्रेटा का सिर्फ डीजल मैनुअल पावर ट्रेन ही है जो सभी 5 वेरिएंट्स के साथ अवेलेबल है। अदरवाइज पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन आपको 3 वेरिएंट्स के साथ ही मिलेगा और पेट्रोल और डीजल ऑटोमेटिक क्रेटा सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स में ही अवेलेबल है। खैर, अगर आप क्रेटा डीजल लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस कार का सबसे सूटेबल वेरिएंट चूज कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। 2020 डीजल क्रेटा के वेरिएंट्स एक्सप्लेन करने से पहले चलिए आपको इसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे कि इसके प्राइसेस, इंजन स्पेक्स और डायमेंशंस, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए 2020 क्रेटा के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसके प्राइसेस। क्रेटा में अब भी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन्स का ऑप्शन है। इसमें अब 2 पेट्रोल इंजन्स और 1 डीजल इंजन आता है। क्रेटा के 1.5 लीटर डीजल इंजन को आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 5 वेरिएंट्स में ले सकते हैं और इसके प्राइसेस स्टार्ट होते हैं 9.99 लाख रुपीज से और इसके टॉप वेरिएंट का प्राइस है 15.79 लाख रुपीज। इस इंजन को आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 2 वेरिएंट्स में ले सकते हैं, SX एंड टॉप SX ऑप्शनल। क्रेटा डीजल ऑटोमेटिक SX वेरिएंट का प्राइस है 15.99 लाख और SX ऑप्शनल का प्राइस है 17.2 लाख रुपीज। डीजल इंजन के अलावा क्रेटा में 2 पेट्रोल इंजन्स का ऑप्शन है, 1.5 लीटर और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। टेबल में मेंशन सभी एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। इस वीडियो में हम क्रेटा डीजल के वेरिएंट्स एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं क्रेटा के डीजल इंजन स्पेक्स। क्रेटा में डीजल मैनुअल पावर ट्रेन आप सभी 5 वेरिएंट्स में ले सकते हैं, लेकिन डीजल ऑटोमेटिक सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स में, SX और SX ऑप्शनल में ही आता है। न्यू क्रेटा और किया सेल्टॉस में सेम डीजल पावर ट्रेन ऑप्शंस हैं, 1.5 लीटर इंजन विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इन दोनों कार्स में 1.5 लीटर डीजल इंजन 115 PS की मैक्सिमम पावर और 250 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्रेटा के केस में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इस इंजन की क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी सेल्टॉस के कंपैरिजन में मार्जिनली बेटर है। ये तो हो गई इंजन स्पेक्स की बात। चलिए अब चेक करते हैं क्रेटा के डायमेंशंस। क्रेटा 5 सीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट को बिलोंग करती है और ये सब 4 मीटर SUVs जैसे मारुति सुजुकी ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन और ह्यूंडई वेन्यू से बड़ी है। न्यू क्रेटा सेल्टॉस से लेंथ में 15 mm छोटी है और विड्थ और हाइट में 10 mm छोटी है। ये मार्जिन इतना कम है कि आपको दोनों कार सेम साइज की ही लगेंगी। क्रेटा और सेल्टॉस का व्हील बेस और बूट स्पेस भी सेम है। इन दोनों कार्स में 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और 17 इंच व्हील्स का ऑप्शन आता है। ये तो हो गई डायमेंशंस की बात। अब चलते हैं क्रेटा के वेरिएंट वाइज फीचर्स पे और पहले बात करेंगे डीजल मैनुअल पावर ट्रेन के बेस वेरिएंट की। 2020 क्रेटा डीजल मैनुअल के बेस ई वेरिएंट में आपको एक ऑडियो सिस्टम को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे मस्ट हैव फीचर्स मिल जाते हैं जो आप एक कॉम्पैक्ट SUV में लेना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और हाई स्पीड अलर्ट तो मिल ही रहे हैं। इनके अलावा प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, डे नाइट IRVM, सेंट्रल लॉकिंग और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक भी मिलेंगे। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस वेरिएंट में कुछ मिस करेंगे तो वो है रियर पार्किंग कैमरा, रियर डिफॉगर और रियर वाइपर एंड वॉशर। फंक्शनल फीचर्स की लिस्ट लंबी है, इसलिए सिर्फ कुछ की फीचर्स की बात करें तो वो होंगे कीलेस एंट्री विद फोल्डेबल की, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, टिल्ट स्टेयरिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, रियर एसी वेंट्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज। क्रेटा में डोर हैंडल्स, ORVMs और बम्पर्स बॉडी कलर्ड ही मिलेंगे। इस वेरिएंट में भी LED पोजिशनिंग लैंप्स होंगे और फ्रंट एंड रियर में सिल्वर स्किड प्लेट्स भी मिलेंगी। इंटीरियर ब्लैक एंड ग्रेज कॉम्बिनेशन में होगा और फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील भी मिलेगा, बट इस पे ऑडियो कंट्रोल्स नहीं होंगे। 2020 क्रेटा के ई वेरिएंट के सभी फंक्शनल एंड स्टाइल रिलेटेड फीचर्स आप अभी टेबल में देख रहे हैं। डीजल क्रेटा का ई वेरिएंट बहुत एग्रेसिवली प्राइज्ड है और इसमें ऑलमोस्ट सभी मस्ट हैव फीचर्स आते हैं, तो बजट बायर्स के लिए ये वेरिएंट किसी डील से कम नहीं। क्रेटा का ई वेरिएंट लेके आप चाहें तो इसमें ऑडियो सिस्टम और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स रेट्रोफिट करवा सकते हैं। अब देखते हैं कि क्रेटा का EX वेरिएंट बजट बायर्स के लिए ई वेरिएंट से बेटर है या नहीं। 2020 क्रेटा डीजल मैनुअल के बेस ई वेरिएंट के ऊपर EX वेरिएंट के लिए आपको 1.5 लाख रुपीस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और ये प्राइस पे करके इस वेरिएंट में आपको बेस ई वेरिएंट के ऊपर कुछ एंटरटेनमेंट, फंक्शनल एंड स्टाइल रिलेटेड फीचर्स मिलेंगे।
क्रेटा ईएक्स में ई वेरिएंट के ऊपर आपको एक 8 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। इस सिस्टम में आपको रेगुलर ऑक्सिलरी, यूएसबी और ब्लूटूथ के अलावा एप्पल कापले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी के ऑप्शंस भी मिलेंगे। इसके अलावा ईएक्स वेरिएंट में फ्रंट यूएसबी चार्जर, सनग्लास होल्डर और रेगुलर एंटेना की जगह शार्क फिन एंटेना भी आता है। क्रेटा ई के ऊपर ईएक्स वेरिएंट में ऐड हुए फीचर्स की लिस्ट बहुत छोटी है और इन वेरिएंट्स में 1.5 लाख का प्राइस डिफरेंस देख के ये तो ये क्लियर हो जाता है कि क्रेटा के ई वेरिएंट कितना एग्रेसिवली प्राइस्ड है। क्लियरली क्रेटा ईएक्स के एडिशनल फीचर्स के लिए 1.5 लाख रुपीस एक्स्ट्रा देना सेंसिबल नहीं है। सो अगर आप डीजल क्रेटा ले रहे हैं और सिर्फ मस्ट हैव फीचर्स लेके खुश हैं तो वैल्यू वाइज ई वेरिएंट बेस्ट है। इसे लेके इसमें ऑडियो सिस्टम और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स रेट्रोफिट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रेटा एस में क्या आता है और क्या इस पे अपग्रेड करना सेंसिबल है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। 2020 क्रेटा का एस वेरिएंट बेस ई वेरिएंट से 2.78 लाख रुपीज ज्यादा एक्सपेंसिव है और ई एक्स वेरिएंट से इसका प्राइस डिफरेंस 1.28 लाख रुपीज का है। इतना प्राइस पे करने के बाद एस वेरिएंट में ई एक्स वेरिएंट के ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे जैसे रियर पार्किंग कैमरा, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, फ्रंट फॉग लैंप्स, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर। सो जो बेसिक सेफ्टी मस्ट हैव फीचर्स क्रेटा के लोअर वेरिएंट्स में मिसिंग थे वो एस वेरिएंट में आ जाते हैं। फंक्शनल और स्टाइल रिलेटेड फीचर्स की बात करें जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एस वेरिएंट में आते हैं लेकिन ई एक्स में नहीं आते वो हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक एसी, स्मार्ट की विद पुश बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल, रियर विंडो सनशेड, रूफ रेल्स और क्रोम फ्रंट ग्रिल। क्लियरली क्रेटा के ई और ई एक्स वेरिएंट्स जहां बेसिक फीचर्स की नीड फुलफिल करते हैं वहीं एस वेरिएंट से बेसिक फीचर्स के अलावा कुछ फील गुड फीचर्स भी ऐड हो जाते हैं। क्रेटा ई एक्स वेरिएंट के ऊपर एस वेरिएंट के सब एडिशनल फीचर्स आप अभी टेबल में देख रहे हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन सभी फीचर्स के लिए क्रेटा ई एक्स से एस पे रुपीज 1.28 लाख एडिशनल लगाना वर्थ नहीं है और क्योंकि ई वेरिएंट तो एक्सेप्शनली अंडरप्राइज्ड है तो उससे तो हम इसका प्राइस कंपैरिजन ही नहीं कर रहे। इन शॉर्ट अगर आप एक बेसिक डीजल क्रेटा लेके सेटिस्फाइड हैं तो हमारा सजेशन होगा कि इसका ई वेरिएंट लें। अगर फीचर रिच क्रेटा लेना चाहते हैं जो अच्छी वैल्यू फॉर मनी भी दे तो एस के ऊपर किसी वेरिएंट को कंसिडर करें। आइए देखते हैं कि क्रेटा एस एक्स में कौन से फीचर्स आते हैं और ये वैल्यू फॉर मनी अपग्रेड है या नहीं। 2020 क्रेटा डीजल के एस एक्स वेरिएंट का प्राइस है 14.51 लाख रुपीज और एस वेरिएंट से इसका डिफरेंस है 1.74 लाख रुपीज का। इस प्राइस को पे करके आपको सेफ्टी, एंटरटेनमेंट, फंक्शनल और स्टाइल रिलेटेड फीचर्स मिलेंगे और सेफ्टी के अलावा मोस्टली सभी फील गुड फीचर्स ही हैं। सेफ्टी की बात करें तो इस वेरिएंट से आपको फ्रंट के साथ रियर में भी डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी। इसके अलावा आपकी ड्राइव को कॉन्फिडेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स भी हैं। इस वेरिएंट से 2020 क्रेटा में एलईडी हेडलैम्प्स भी मिलेंगे। क्रेटा एसएक्स में इंफोटेनमेंट सिस्टम भी अपडेट हो जाता है और 8 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की जगह 10.25 इंच की स्क्रीन मिलेगी जिसमें ब्लू लिंक कनेक्टेड कार फंक्शनैलिटी भी है जिससे आप रिमोट की से कार को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं और व्हीकल को ट्रैक भी कर सकते हैं। आप ब्लू लिंक में वॉइस कमांड्स के थ्रू इसकी सनरूफ को भी ओपन या क्लोज कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी साइट पे जा सकते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेरिएंट में ऐड हुए की फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो वो हैं ऑटो फोल्डिंग ORVMs, रियर आर्मरेस्ट, रियर हेडरेस्ट कुशन, स्मार्टफोन चार्जर एंड 60-40 स्प्लिट रियर सीट विद टू स्टेप लिक्राइन यानी रियर सीट के बैकरेस्ट का एंगल एडजस्टेबल है। इस वेरिएंट में ऐड हुए फंक्शनल फीचर्स प्राइमरली रियर सीट पैसेंजर्स को फोकस करते हैं। अगर आप इस वेरिएंट में कोई फीचर मिस करेंगे तो वो है ऑटो डिमिंग IRVM। कॉस्मेटिक फीचर्स की बात करें तो अलॉय व्हील्स, LED DRLs, क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल्स और लेदर रैप्ड स्टेयरिंग के अलावा इस वेरिएंट से आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगी। इन सभी फीचर्स के साथ साथ और भी कुछ फीचर्स हैं जो SX वेरिएंट में S वेरिएंट के ऊपर आते हैं और इन सभी को आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग क्रेटा के SX मैनुअल वेरिएंट में ऐड हुए फीचर्स क्रेटा डीजल मैनुअल के EX और S वेरिएंट के ऊपर अपनी इंक्रीमेंटल वैल्यू इजीली जस्टिफाई करते हैं। अगर हम क्रेटा डीजल के ई वेरिएंट को एक्सेप्शनली अंडरप्राइज्ड माने तो इसका SX वेरिएंट बाकी सभी वेरिएंट्स के ऊपर अच्छे फीचर्स और वैल्यू दोनों ऑफर करता है। तो ऐसे बायर्स जो फीचर रिच क्रेटा लेना चाहते हैं और वैल्यू कॉन्शियस भी हैं उनके लिए SX वेरिएंट सबसे सूटेबल वेरिएंट है। अब देखते हैं क्रेटा डीजल मैनुअल के टॉप SX ऑप्शनल वेरिएंट में क्या एक्स्ट्रा मिलता है और इस पे अपग्रेड करना सेंसिबल है या नहीं।
क्रेटा 1.5 डीजल मैनुअल में SX से SX ऑप्शनल वेरिएंट का डिफरेंस है 1.28 लाख रुपीस का और इसमें कुछ सेफ्टी, फंक्शनल और स्टाइल रिलेटेड फीचर्स ऐड हो जाते हैं। इन सभी फीचर्स में से की एडिशंस हैं साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, ऑटो डिमिंग IRVM, बोज साउंड सिस्टम, 8 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर ड्राइवर सीट और लेदर अपहोल्स्ट्री। इसमें मशीन अलॉय व्हील्स भी आएंगे लेकिन व्हील साइज 17 इंच ही रहेगा। इस वेरिएंट में SX वेरिएंट के ऊपर ऐड हुए सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप डीजल क्रेटा के SX के ऊपर SX ऑप्शनल वेरिएंट लेते हैं तो आप इन एडिशनल फीचर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं, ऑल्दो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप एक्स्ट्रा एयरबैग्स की सेफ्टी, बेटर साउंड सिस्टम और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स एंड पावर ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स के लिए थोड़ा प्रीमियम देने के लिए रेडी हैं तो SX ऑप्शनल वेरिएंट पे अपग्रेड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं क्रेटा डीजल ऑटोमैटिक के वेरिएंट्स और उनकी डिटेल्स। Hyundai क्रेटा के 1.5 लीटर 115 PS डीजल इंजन के साथ अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन ना लेके टॉर्क कन्वर्टर टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेने की सोच रहे हैं तो इसके SX वेरिएंट में आपको इस अपग्रेड के लिए 1.48 लाख रुपीस एक्स्ट्रा देने होंगे। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के बदले ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो मिलेगा ही, साथ में कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा भी मिलेंगे जैसे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स, एयर प्योरीफायर, ड्राइव मोड सेलेक्ट और गियर चेंज करने के लिए स्टेयरिंग के पीछे पैडल शिफ्टर्स। मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कॉस्ट और इन एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए 1.48 लाख रुपीस का एडिशनल अमाउंट हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग जस्टिफाइड है। तो अगर आपके बजट में क्रेटा डीजल SX ऑटोमेटिक आती है तो आप इसे ले सकते हैं। अब देखते हैं डीजल ऑटोमेटिक क्रेटा का टॉप SX ऑप्शनल वेरिएंट। क्रेटा के डीजल ऑटोमेटिक पावर ट्रेन का SX ऑप्शनल वेरिएंट SX वेरिएंट के ऊपर 1.21 लाख रुपीस ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसमें कुछ सेफ्टी, फंक्शनल और स्टाइल रिलेटेड फीचर्स ऐड हो जाते हैं। इन सभी फीचर्स में से की एडिशंस हैं साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, ऑटो डिमिंग IRVM, बोज साउंड सिस्टम, 8 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर ड्राइवर सीट और लेदर अपहोल्स्ट्री। इसमें मशीन्ड अलॉय व्हील्स भी आएंगे लेकिन व्हील साइज 17 इंच ही रहेगा। इस वेरिएंट में SX वेरिएंट के ऊपर ऐड हुए सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप डीजल ऑटोमेटिक क्रेटा के SX वेरिएंट के ऊपर SX ऑप्शनल वेरिएंट ले रहे हैं तो आप इन एडिशनल फीचर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं, ऑल्दो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप एक्स्ट्रा एयरबैग्स की सेफ्टी, बेटर साउंड सिस्टम और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स एंड पावर ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स के लिए थोड़ा प्रीमियम देने के लिए रेडी हैं तो SX ऑप्शनल वेरिएंट पे अपग्रेड कर सकते हैं। अब ये वीडियो एंड करने से पहले चलिए एक बार शॉर्ट में सभी वेरिएंट्स को रैप करते हैं और फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। 2020 क्रेटा के 1.5 लीटर डीजल इंजन को अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ले रहे हैं तो इसका SX वेरिएंट हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू फॉर मनी और फीचर्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन देता है। हमारे अकॉर्डिंग मैक्सिमम बायर्स इस वेरिएंट को लेके खुश रहेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा सेफ्टी और कुछ और फीचर्स के लिए प्रीमियम दे सकते हैं तो क्रेटा SX ऑप्शनल भी ले सकते हैं, और अगर आप बजट पे हैं तो क्रेटा डीजल मैनुअल का ई वेरिएंट ले सकते हैं। ये बहुत एग्रेसिवली प्राइस्ड है और इसमें काफ़ी मस्ट हैव फीचर्स भी आ जाते हैं। क्रेटा डीजल ऑटोमेटिक के केस में भी आप SX वेरिएंट ले सकते हैं। इसमें ऐड हुए फीचर्स और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए ये क्रेटा डीजल मैनुअल के ऊपर सेंसिबल अपग्रेड है। इस पावर ट्रेन का ये हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट है। इस पावर ट्रेन के साथ SX ऑप्शनल वेरिएंट का भी ऑप्शन है, और सेफ्टी कॉन्शियस बायर्स जिन्हें 6 एयरबैग्स चाहिए और वो बाकी एडिशनल फील गुड फीचर्स के लिए कुछ प्रीमियम दे सकते हैं वो इसका SX ऑप्शनल वेरिएंट भी ले सकते हैं। पेट्रोल क्रेटा की तरह इसके डीजल वर्जन में 7 मोनोटोन एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस आते हैं, सिल्वर, वाइट, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक और ग्रे। क्रेटा में डुअल टोन कलर का ऑप्शन आपको सिर्फ टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ही मिलेगा। मुझे पर्सनली इसमें ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लगा। इनमें से कौन से कलर में आप क्रेटा लेना पसंद करेंगे ये आप हमें ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ खत्म होता है ये वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो। हमें उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आप अपने लिए 2020 क्रेटा डीजल का राइट वेरिएंट चूज कर पाएंगे। अगर क्रेटा से रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं या हमारी वीडियोस को लेकर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।